कैसे हो आपका स्वागत है तृपाण स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ एनआई बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री ये चैप्टर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज यानी देखा जाए तो भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का विकास किस प्रकार हुआ है इसके विषय में हम विस्तार पर यहाँ पर जो के यानी भूगोल के चैप्टर में करेंगे ये चैप्टर कई मानने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे वो सी बी पढ़ते हो चाहे नैस बोर्ड के बच्चे हों चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों इवन के जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ठीक है लेकिन आपको पता है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी रहता है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि तो दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए ये आप भी नहीं जानोगे इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो ठीक है व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाओ तो, तो आने से सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है चाहे वो एट्थ क्लास हो नाइन टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ हो चाहे वो एनआईस बोर्ड के बच्चे हो ठीक है चाहे बी एम के बच्चे हो सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण से सेंटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है दोस्तों ये तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है मोस्ट एयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंपोर्टेंट मिनरल इंपोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन अनइवेटली डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द फाउंड इन दसेंट क्रिस्टलाइज रॉक ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यूज सम मिनरल्स आर फाउंड इन द हिमालय रीजन डिफिकल्ट टू द Mineral are bodily is divided into two groups is a metallic and non-metallic mineral metallic minerals are further subdivided into the ferrous and non-ferrous minerals here they are important. The first tier is the ferrous minerals the ferrous minerals here are, are there those which contain iron and substantial to quality. The first tier of ferric metallic minerals here the ferric metallic minerals are important. Fire minerals account for about three-fourths of the total value of the production of metallic minerals. That accounts to you, there is the most important minerals group after fuel minerals. Then include iron, manganese, isochromite, peptide, etc. This is mineral provide a strong base from the development of meta in industries. And particular iron, steels and alloys the there is important. And the next uh, iron ore. Iron ores. There is an important here. The India is one of the few countries of the world which is endowed with the vast reserves of a good quality of iron ore, and she posts over to twenty percent of the world as a total reserves. The quality of Indian ores is a very high, with the iron contained about a sixty percent here. The most of iron ore is found in the country is of three types: hematite, magnetites, and limonite hemolite are contain up to sixty eight percent of iron, and it is a red in a color, and it is often referred to, refer to as red ores. Next to the hematite, and the quality of the richness in the magnetites ore, it is contain up to sixty percent of iron. It is a dark brown, is a blackish in a color, and is often referred as a black ores. Lamontite is the third types of ore which has iron content of thirty five to fifty percent. It is a yellow in a color since India has a large reserve and hematites and magnetites or is inferior is a quality or like a lemonite, as a rare exploited. This is important. The total estimate is the reserve of the iron ore is the country are placed at about 12,857 million ton of which is the 12,000. Three hundred seventy million ton are hematite ores and about a five hundred forty million ton of the magnetite oil. This is a roughly about one of fourth of the world reserve. Here, There is an important. The important here is the table production of iron ores in India. There is a year and the production in the million ton. The nineteen fifty to fifty one, there is a three point zero million tons the production here and is. 60 to 61 there were 11.0 million turn here and then increasing here a uh, maximum for the 97 to 71 there are 32.25 millions is the turn and the 1980 to 81 there are 42.2 percent but there is a 99 to 91 is a 53.7 but suddenly the 2004 to 2005 they're increasing to the 140 to 40 0.46 is a million ton there is a most important improvement for the production of iron ore is in india the next year distribution distribution on there iron ore is a deposit are found practically in the every state of india however 96% of the total reserve are orissa jharkhand Chhattisgarh, karnataka and goa and this states also is account for the 96% to be total production of Oil, iron ore in the country about 3% of the country as a total production come from tamil nadu maharashtra and andhra pradesh here odisha and jharkhand together pose about 50% of india as a reserve of high grade iron ore and there are principle of deposit are located in a Sundara, Sundaragad, is a Mayo Banj, and the Koh Zahar, and district of Orissa, and Singhbhum district of Jharkhand. There is a most important site here of the Oris of iron. In this map, there is a most important map, the Indian iron Oris here show. There is an important part on here, a dot line there is show of Salamans is the of. Uh, there is side and the Chota Nagpur also and Sigma Goa Sundar Hospital and Chota Raipur and the Gari Giri. and there is the most important here iron Aries is the Jharkhand side and also has a is a Calcuttas and there is the other side. There is the most important here of uh, Indian iron ore is in this map. Chhattisgarh and Madhya Pradesh is a contribute about 25% of country as a total iron ore is reserve and about 22 25% of country as a production of iron ore and the reserve are located in the balia dil is a range is a ghat area near to the Ari, river is a bastar district and the Dalai is the rajahara range in the durgof district here the goa process of inferior quality ore is a uh, but it, it is a contribute to be a country as a total production in the impressive most of the mines are open cast and me me mechanized as almost of the production of iron from goa is exported from mang is a Marago Mango this is a part of Japan. It is a Karnataka, is the most important deposit form found. There is a Sandhur Hospest area of the Valayaris district. And Bhavandan is a hill of the Chikamago districts and the Sigmoga and Chitaragara is a district. There is an important part here of the Aran uh, Aaron is found in this side. Aran or is a deposit of Andhra Pradesh and scattering in the Nanatpur and Khana. Kanama as a Krishna Korohu, Nul, and Chodapar as the North districts and some deposits are also required in the state of Tamil Nadu, Maharashtra and Rajasthan. There is the most important side of found to the iron ore here. India contributes about uh, seven to eight percent of the total world trade. Now our deposits are being worked out especially for the export to the purpose. For example, Balihadil as Rajahara, is a mine of Chhattisgarh and Kirupuras, as mine of Orissa, began to the world for their purpose. And Japan, Romania, and the former is a Sajoko, Bukani Sultania, and there is the Poland as an important, important to country. There is an important yes, as a kosolo, vikya, and there is a problem to the important, important to the country iron are exported from Haldia and para, deeps, and mara, mara, mangola, and Mangalore and the Visakhapatnam Patnam export. there is an important part here. india posts over to 20% of the world as a total reserve iron. there is a most important in the box. the important point here, india posts over 20% of the world as a total reserve in iron. iron was the deposit are found to the particularly in a, every state. However, 96% of 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 the 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 total reserve are are Jharkhand, Karnataka and and Goa Balia, Dil is, Rajahara, is a man of Chhattisgarh, and as a as to the Orisa, are began to the work out of especially for export to the purpose. There is the most important छत्तीसगढ़ यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कुछ प्रमुख खनिजों का वितरण देखिए यहाँ पर जो हम कुछ खनिजों के वितरण के विषय में विस्तार पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खनिजों का जो है वितरण किस प्रकार हुआ है भारत में और भारत किस लिए जो है खनिज के लिए जरूरी है देखा जाए तो भारत में अगर हम बात करें कुछ प्रमुख खनिज के वितरण का तो एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि भारत में जिस तरह से जो है प्राकृतिक जो है उसी प्रकार खनिज का वितरण भी है जैसे प्राकृतिक में आपको पता है कि यहाँ पर जो बहुत भी क्षमता पाई जाती है इसके वेदर कंडीशन में वैसा ही खनिज के वितरण में भी पाया जाता है भारत में खनिजों का वितरण जो है बहुत बहुत ही असामान्य है यानी कहा जाए तो एक क्षेत्र में सब चीज़ नहीं मिल जाती है इसका वितरण जो है असामान्य ही होती है अधिकांश खनिज दक्कन के पठार तथा छोटा नागपुर पठार में पाए जाने वाले प्राचीन जो है रवेदार श्रेणियों में मिलते हैं यानी कुछ जो है छोटा नागपुर के क्षेत्रों में मिले हैं ये पर कोई दोरा दोराए नहीं है और दक्षिण के पठार में भी मिलते ही हैं कुछ खनिज जो है हिमालय भागों में मिलते हैं परंतु उनका दोहन करना बहुत ही कठिन है क्योंकि वहाँ से निकालना बहुत ही संभव कार्य नहीं है दुष्कम कार्य है भारत के सभी खनिजों के मोटे तौर पर बड़े दो भागों में बांटा जा सकता है एक धात्विक खनिज होती है एक आधात्विक खनिज के रूप में देखा जा सकता है धात्विक खनिज पुण्य दो भागों में बांटा जा सकता है लोह अलोह वर्ग तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है यदि हम यहाँ पर बात करें लोह खनिज तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि लोह खनिज के अंतर्गत क्या आता है देखिए लोह खनिज वह कहते कहलाते हैं जिनके लोह तत्व काफ़ी अधिक मात्रा में रहता है यानी लोह खनिज वो कहलाते हैं जिनमें लोह तत्व काफ़ी अधिक मात्रा में रहता है सबसे पहली बात अगर आए तो धात्विक लोह खनिज के अंतर्गत आता है कहते हैं धात्विक खनिजों के सकल उत्पादन मूल्य का तीन चौथाई हिस्सा लोहा धात्विक खनिजों का ही होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है आपको पता है कि आपको क्षेत्र में आसपास पास देखिएगा लोहे से बने हुए बहुत चीज़ जो है बेखूबी देखने को मिल जाता है तो इसका बात सही भी है कि एक कहते हैं तीन चौथाई हिस्सा जो है लोहे का खनिज ही होती हैं खनिज ईंधन के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है खनिज वर्ग की सूची लोह धात्विक खनिज द्वारा ही निर्मित होती है ठीक है इसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि खनिज ईंधन के बाद जो होती है इसमें खनिज जो है लो धात्विक खनिजों का ही अपना महत्व रहता है इस सूची में आने वाले धात्विक खनिजों में लोहा मैग्नीज क्रोमाइट पैरोडाइट्स इत्यादि सम्मिलित है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये धात्विक खनिज भारत में जो है धातुकर्मी के उद्योग के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं और ख़ास कर लोह इस्पात एवं मिश्र धातु तो धात्विक लोह खनिज के अंतर्गत जो है खास कर लोह इस्पात और मिश्र धातु आता है अगर बात करें हम लोहे अस्क की तो लोह अस्क जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है चलिए देखते हैं लोह अस्क के बारे में हमें क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर जो है लोहे अस्क आया लोहे अस्क काफी महत्वपूर्ण है कहते हैं भारत के पूरे विश्व के गिने चुने देशों में से एक है जहाँ उत्तम कोटि के लो आयस जो है विशाल भंडार है तो भारत में देखा जाए तो लो आयस की जो है भंडार है जो कि उच्च कोटि की है यानी पूरे विश्व में गिने चुने ऐसे देश में से भारत एक देश है जहाँ पर जो है उच्चम उत्तम कोटि के जो है विशाल जो है लो आयस के भंडार मिले हैं विश्व के सकल लोअस्क आयस भंडार का जो है बीस प्रतिशत से अधिक भंडार भारत में ही है यानी पूरे विश्व में शक्कर लो अयस्क भंडार से देखा जाए तो भारत में बीस प्रतिशत से भी अधिक पार्ट भारत में जो है लो अयस्क के विद्यमान है भारत मिलने वाले लो अयस्क में लो धातु के अंश जो है साठ प्रतिशत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही है इसलिए भारत के लो अयस्क जो है उच्च कोटि के माने जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कहते हैं भारत में जो है उच्च कोटि के जो है लोअ अयस्क माने जाते हैं और भारत में पाए जाने वाले लो अयस्क तीन प्रकार के होते हैं एक तो होते हैं हेमोटाइट्स एक होता है मेगोटाइट्स एक होता है लिमोनाइट्स तो ये भारत में पाए जाने वाले तीन अयस्क हैं जिसको बारे में आपको याद रखना चाहिए कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत में पाए जाने वाले लो, लोहे का जो है अयस्क कौन कौन से हैं तो इसमें तीन का नाम जो यहाँ पर मुख्य रखा गया है हेमोटाइड्स मेनोटाइट्स और लि, लिमोनोटाइट्स कहते हैं हेमोटाइट्स नामा आयस में लोहे के अंश का जो है सिक्सटी एट प्रतिशत होता है यानी अड़सठ प्रतिशत तक जो है लोहे अयस्क लोहे का होता है और इस अयस का रंग थोड़ा सा लाल होता है ठीक है इसलिए प्राय इसके जो है लाल अयस्क के नाम से भी जाना जाता है तो ये आपको पास बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हेमोटाइट्स है उसका दूसरा नाम जो है लाल अयस्क के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद दूसरे स्थान पर जो है मेगोनोटाइड्स नामक लो अयस्क आता है जिसका रंग काली होती है काली होने के कारण जो है इसको काला अयस्क भी कहते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो लाल होने के कारण लाल अयस्क कहलाया ये काला होने के कारण इसको काले अयस्क भी कहते हैं एस भी भंडार मात्रा जो है लो अधातु के प्रतिशत की दृष्टि से स्थान हेमोटाइस के बाद दूसरा स्थान पे आता है इसमें जो है लो धातु की भाग जो है साठ प्रतिशत तक होता है और तीसरा लो एस जो है लिमोनाइट्स कहलाता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तीसरा लो एय जो है लेमोटाइट्स का है जिसमें जो है लो धातु के जो है पैंतीस से चालीस प्रतिशत तक होता है यानी तीस पैंतीस से चालीस प्रतिशत तो होता है और इसका रंग पीला होता है क्योंकि हेमोटाइट्स और मेगनोटाइट्स आयस के इतने विशाल भंडार हैं अंततः जो है लेमोनाटाइट आयस का दोहन भारत में फिलहाल नहीं हो रहा है तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मेगनोटाइट्स आयस के इतने विशाल भंडार होते हुए भी लिमोनोटाइट्स का जो है अभी तक यहाँ पर जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर इसी बात को अगर हम मैप में देखें किस क्षेत्र में पाया जाता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाएगा तो चलिए मैप की तरफ रुख करते हैं और मैप में जानने की कोशिश करें कि इसका किस प्रकार जो है वितरण है अब मैप में जो है भली भांति देख सकते हैं कि लो जो है भारत में लो एस किस प्रकार जो है वितरित है अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है ये जो दिख रहा होगा आपको मैप में केरल के साइड जो दिखाई दे रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण तो है एक आपको महाराष्ट्र के साइड भी रत्नगिरी दिख रहा होगा जहाँ पर जो है लो एस की जो है विद्यमान है गोवा को भी यहाँ पर अंकित किया गया है सिमोगा को भी अंकित किया गया है चिकमंग चिकमगलूर को भी किया गया है सलेम्स को भी यहाँ पर अंकित किया गया है साथ में चतरपुर को भी किया गया है बस्तर को भी काफ़ी क्षेत्र जो है बस्तर के आसपास मिल रहे हैं जहाँ दुर्ग भी है ठीक है जबलपुर में भी जो है लो एस के खनिज मिल रहे हैं और देखा जाए तो आपको जो है ये जो हरियाणा के साइड भी एक क्षेत्र में दिख रहे होंगे जहाँ लो एस की मात्रा पाई गई है साथ में अगर देखो तो भूमि सुंदरगढ़ मयूरभव तो ये सारे क्षेत्र में जो है लोह अश के जो है मिलने हैं और इससे काफ़ी भंडार जो है यहाँ पर संरक्षित है तो ये मैप के अंतर्गत देखने और समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम व्यू से भी, भी महत्वपूर्ण रखता है कि लोह ऐस क्षेत्र किस क्षेत्र में है तो देखा जाए तो मैक्सिमम जो है दक्षिण क्षेत्र में ही नज़र आ रहा है और कुछ जो है पूर्वी क्षेत्र में भी नज़र आ रहा है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर मैप में दर्शाया गया है जिसको आपको समझने की कोशिश करना चाहिए लो का जो है भारत में जो है आकलित भंडार करीबन बारह हजार तीन सौ सतारह मिलियन टन है जो है हेमोटाइट्स का है तथा तो सेफ जो है पाँच हज़ार पाँच सौ चालीस मिलियन टन जो है मेनोटाइट्स का है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है लो के भारत में जो है आकलित भंडार करीबन जो है कितना है बारह मिलियन टन जो हेमोटाइट्स का है और सिर्फ जो है पाँच सौ चालीस मिलियन टन जो है मेनोटाइट्स का है भंडार की राशि पूरे विश्व में लोअ आयोष के भंडार का जो है एक बटा चौथमा आंकलित की गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है देखिए यहाँ पर एक आया है टेबल जिसमें एक बात की ऊपर दर्शाया गया है कि इसका जो है किस साल में कितना जो है जो है लोअ आयोस मिला है और इसका क्या महत्व रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ वर्ष दिया है उत्पादन मिलियन टन में कैसे हुआ है तो बात यहाँ पर लिया गया है उन्नीस सौ पचास इक्यावन के दौरान जो है सिर्फ तीन जो है तो प्रतिशत जो है सिर्फ मिलियन टन जो है उत्पादन हुआ है लेकिन साठ उन्नीस सौ साठ से इक्हठ में देखें तो ग्यारह जो है प्रतिशत की वृद्धि हो गई है ग्यारह मिलियन टन की हुई है और सत्तर से इकहत्तर में काफ़ी वृद्धि हो गई यानी बत्तीस दशमलव पाँच मिलियन टन हो गई वही अस्सी से इक्यासी में जो है बयालीस प्रतिशत ही दिख रहे होंगे अब बयालीस पॉइंट टू मिलियन टन और नब्बे इक्यानवे में जो है फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन मिलियन टन का जो है उत्पादन हुआ है अगर हम बात करें यहाँ पर दो हज़ार चार से पाँच के दौरान तो कहते हैं दो हज़ार चार और पाँच के दौरान जो है काफ़ी वृद्धि देखने को मिला जिसमें एक सौ चालीस दशमलव चार छः जो है मिलियन टन के उत्पादन हुआ तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शा रहा है कि इसकी जो है किस प्रकार जो है उत्पादन में बढ़ते बढ़ोतरी देखने को मिला है अब चलते ये देखते हैं हम कि इस जो लोहे खनिज है उसकी वितरण किस प्रकार भारत में है वितरण की अगर हम बात करें तो वैसे तो भारत में लो ऐस्क प्राय सभी राज्यों में पाए जाते हैं यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रह जाती है कि भारत में लो ऐस्क जो है प्राय सभी राज्यों में पाए जाते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट में परंतु भारत के कुल भंडार का जो है छियानवे प्रतिशत उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ कर्नाटक और गोवा राज्य में सम्मिलित है तो आप समझ सकते हो कि नाइन्टी सिक्स प्रतिशत पाठ जो है उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ कर्नाटक और गोवा में सीमित ही है यानी सबसे अधिक भंडार इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है इतना ही नहीं लो ऐश्क का जो है पंचानवे प्रतिशत उत्पादन भी इन्हीं राज्यों से ही होता है अब देखिए उत्पादन भी जो है छ पंचानवे प्रतिशत इन्हीं राज्यों से ही होता है शेष तीन प्रतिशत लो ऐस का उत्पादन तमिलनाडु महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होता है तो आप समझ सकते हो कि कितनी विशेषता जो है इसके वितरण के अंतर्गत रखा गया है उड़ीसा एवं झारखंड में भारत के उच्च श्रेणी के कुल लो ऐस का जो है पचास प्रतिशत भाग विद्यमान है उड़ीसा में लो ऐस जो है सुंदरगढ़ मयूरगंज और जो है क्योंझर जिले में तथा झारखंड में जो मेजिंभू जिले में मिलता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ पर दर्शाया गया है जो कि काफ़ी जरूरी है कहते हैं अगर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में देश के कुल लो आयस का भंडार का जो है पच्चा पच्चीस प्रतिशत विद्यमान है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो है देश के कुल लो आयस का जो है भंडार पच्चीस प्रतिशत विद्यमान है और इसी प्रकार देश के कुल लो आयस के जो उत्पादन का जो है बीस से पच्चीस भी छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य में ही होता है और ये न के भंडार जो है बिलासडीला की पहाड़ियों में स्थित है और इसी प्रकार से जो है हरीडोगरी बस्तर बस्तर जिला तथा दिल्ली राजहारा के जो है पहाड़ी क्षेत्र दुर्ग में जिले में पाया जाता है तो ये इसकी महत्ता को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है कहते गोवा में लोहे यदापि अच्छे दर्जे के नहीं हैं यानी गोवा में अगर लोहे अश मिलते हैं तो उसके जो है अच्छे दर्जे नहीं हैं बहुत बेकार किस्म का जो है लोयस्क यहाँ प्राप्त होता है फिर भी देश के कुल उत्पादन में गोवा में मिलने वाले लो का योगदान महत्वपूर्ण है कहते हैं देखिए अच्छे दर्जे के न होते हुए भी यहाँ पर सबसे अधिक जो है लोयस्क हमें प्राप्त होती है गोवा में लो की खदीन जो है सिरेदार खुले एवं सुव्यवस्थित होते हैं तथा के तथा उत्खनित आयसों का जो है बाहर जमीन स्तर पर फेंकने की प्रणाली पूरी तरह से यांत्रिक इंजीनियर द्वारा संचलित होती है क्योंकि ये सारे प्रक्रिया जो होता है यंत्रों के द्वारा ही होता है इसलिए ये प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है लगभग पूरा लो गोवा के जो है मरगाओ बंदरगाह से जापान को निर्मित कर दिए जाते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लगभग पूरा जो है लो गोवा के मरगा मरगम गाँव बंदरगाह से जापान को निर्मित कर दिए जाते हैं और कर्नाटक में सबसे मशहूर लो के जो है नक्षेप संडूर और जो, होसल पेट जो है होसलपेट क्षेत्र जिसमें बुलारू जिले चिकन गुड़ जो है जिले से जो है बाबा बहुदून के पहाड़ी क्षेत्र पर जो सिमोगोल तो एवं चित्रदुर्ग के जिले में पाए जाते हैं तो नाम यहाँ पर थोड़ा सा राज्य का नाम बहुत डिफिकल्ट है तो आपको समझ में रखना चाहिए कि बिलाड़ी जिले आते हैं चिक मंगलूर भी जिले भी हैं जो इसके आता है बाबा बदुदन भी आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ पर आया आता है आंध्र प्रदेश में लोहे अस जो है निक्षेप अनंतपुर और खमम कृष्ण और कन्नमूल जो है कोडप्पा और नेहरूर जिले में बिखरे हुए हैं अब कथचित फूट रूप में पाए भी जाते हैं यानी छोटे मोटे अमाउंट में पाए जाते हैं कुछ निक्षेप इसी रूप में जो है तमिलनाडु महाराष्ट्र एवं राजस्थान में भी मिलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है सकल विश्व व्यापार में भारत का योगदान में देखा जाए तो सात से आठ प्रतिशत जो है भारत का योगदान है यानी लो एस के मामले में भारत का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है सात से आठ प्रतिशत होना बड़ी बात है अब लो ऐस के जो है नक्षेपण का विकास न्यायात के विशेष ध्यान में रखकर किया जाता है जैसे ब्लाडिलिया एवं राजहारा छत्तीसगढ़ के लोअ एस के नक्षेपण के उड़ीसा के जो है बेरू खुल खदानों से लोअ एस का उत्पादन सीधे निर्यात के लिए किया जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कहते जापान रोमानिया एवं चक्ोसलाबाकिया एवं पोलैंड देश भारत के लोअ एस का जो है आयात करता है तो आप समझ सकते हो कि जापान रोमानिया एवं चक्ोसोबाकिया एवं पोलैंड देश भारत के लोग का आयात करता है और भारत में इस अयस्को का न्याय जो है हल्दिया अपराधी जो है मर मागो मंगलोर एवं विशाखापट्टनम जो है खदानों से होती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि जो है लो यास के जो उत्पाद और इसके विषय में बहुत काफ़ी जरूरी भी था तो इस तरह हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों को पहुंचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना है ठीक है अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं हो पाएगा